हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यमन के हुती विद्रोहियों ने यूएई पर कर दिया है बहुत बड़ा ड्रोन अटैक। जी हां दोस्तों, जिसमें दो भारतीयों समेत तीन लोगों की मौत हो गई है दोस्तों यूएई में। जी हां, अबू धाबी से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां तीन तेल टैंकरों में भीषण विस्फोट हुआ है। दोस्तों अब बताएंगे किस प्रकार से दोस्तों अबू धाबी में अपने भारतीय लोग यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा मारे गए हैं। दोस्तों सारी बड़ी जानकारी देंगे आपको, साथ ही बताएंगे जाओ फजीहत इमरान खान अब पाकिस्तान ही कहने लगा, पाकिस्तान को इंटरनेशनल भिखारी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किसने, यानी किस पाकिस्तानी ने दोस्तों अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भिखारी कहा है। दोस्तों बताएंगे पूरी बड़ी खबर आपको। साथ ही फिर एक बार पाकिस्तान ने दोस्तों भारत के खिलाफ उगला है जहर, और दिवालिया होने की कगार पर खड़े श्रीलंका को भारत ने बचाया, जिसके बाद भारत की पूरे विश्व में हो रही है जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहाँ पर उत्तर प्रदेश 2022 इलेक्शन को लेकर संतों ने भरी है हुंकार, योगी जी बने सरकार। जी हाँ दोस्तों, और जितेंद्र नंद सरस्वती ने कहा राम मंदिर चाहते हैं तो मोदी योगी की जोड़ी बनाए रखे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे आपको जहाँ पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और RLD गठबंधन को बहुत बड़ा खतरा नहीं मान रही है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है खबर। तो दोस्तों आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार, आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी लहर आएगी दोस्तों, और भगवान लहराएगा और मोदी जी, हां तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूएई के अबू धाबी में बहुत बड़ा ड्रोन हमला हुआ है दोस्तों। यमन के हुती विद्रोही ने तीन तेल टैंकरों में भीषण विस्फोट किया, जिसमें दो भारतीयों समेत तीन लोगों की मौत हो गई है। बता दें यूएई पर यमन के हुती विद्रोहियों ने बड़ा हमला किया है, इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी AFP ने अबू धाबी पुलिस के हवाले से दी है। तो वहीं समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक हुती विद्रोहियों के इस हमले में दो भारतीय नागरिकों समेत तीन लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है। इसके अलावा 6 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय मीडिया का कहना है कि सबसे पहले मुसफ्फा इलाके में तीन तेल टैंकरों में विस्फोट हुआ, इसके बाद अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए निर्माण स्थल पर आग लगने की सूचना में, लेकिन इससे एयरपोर्ट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, आग मामूली थी। ईरान समर्थित इन विद्रोहियों ने खुद हमले की बात स्वीकार की है। जी हां दोस्तों, बता दें AFP न्यूज एजेंसी के हवाले से अबू धाबी पुलिस ने बताया है कि ड्रोन से तेल के टैंकरों पर किया गया विस्फोट इतना जोरदार था कि अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए निर्माण स्थल पर आग लग गई। हालांकि एयरपोर्ट पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन इसमें अपने भारतीय यानी दो भारतीयों की जान चली गई है दोस्तों। ऐसे में उनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। और जिस प्रकार से ये हुती विद्रोहियों ने अबू धाबी पर अटैक किया है दोस्तों, आपको बता दें ये हुती विद्रोही वही है ईरान के समर्थित है दोस्तों। ईरान के समर्थन में इन्होंने अबू धाबी पर यह अटैक किया है। ऐसे में आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर फजीहत इमरान खान के बीच बड़ी खबर, अब पाकिस्तान ही कहने लगा, पाकिस्तानी PM को इंटरनेशनल भिखारी। जी हां दोस्तों, विपक्ष बोला प्रधानमंत्री का जाना ही सभी समस्याओं का हल है। आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की फजीहत अभी तक सिर्फ बाहर वाले ही कर रहे थे, लेकिन अब उनका खुद का मुल्क उन्हें इंटरनेशनल भिखारी यानी अंतरराष्ट्रीय भिखारी बता रहा है दोस्तों। जमात इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने रविवार को इमरान खान को इंटरनेशनल भिखारी करार दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से इमरान खान का जाना ही मुल्क की सभी आर्थिक समस्याओं का हल है। साथ ही उन्होंने देश में नए सिरे से चुनाव कराने की अपील भी की है दोस्तों। बता दें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ विवादास्पद सौदे और संसद में मिनी बजट पास कराने के बाद से इमरान तीखी आलोचना झेल रहा है। इसी बीच सिराजुल हक ने कहा है कि इमरान खान के नेतृत्व वाले मौजूदा सरकार देश पर शासन करने में असमर्थ है, देश में राजनीति से फायदा या नुकसान के लिए कोई जगह नहीं बची है, इमरान खान का जाना ही सभी समस्याओं का हल होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब खुद पाकिस्तानी इमरान खान को इंटरनेशनल भिखारी कह रहे हैं दोस्तों। ऐसे में क्या आप इनके बात का समर्थन करेंगे दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं इमरान खान इंटरनेशनल भिखारी है? अगर हाँ तो कमेंट में इंटरनेशनल भिखारी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ उगला जहर, अफगानिस्तान को भेजी जा रही मानवीय मदद को बताया पब्लिसिटी स्टंट। जी हां दोस्तों, तालिबान राज लौटने के बाद गरीबी और भुखमरी से जूझ रही अफगानिस्तान की आवाम को भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर 50,000 टन गेहूं भेजा था, जिसे पाकिस्तान ने पब्लिसिटी स्टंट बताया है। पाकिस्तान ने इसे मानवीय मदद को रोकने की पूरी कोशिश की, उसने इसके लिए मार्ग मुहैया कराने तक खूब आनाकानी की है। इस मामले में वो लगातार जहर उगल रहा है। अब पाकिस्तान के बड़ बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA मोहित यूसुफ ने भारत पर नरसंहार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि दुनिया इस पर अब भी शांत है। जी हाँ दोस्तों, ये वही NSA है जो बलूचों पर हो रहे पाकिस्तान सेना के अत्याचारों को खुशी से देखते हैं। मोहित यूसुफ ने कहा है कि भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान के जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान को गेहूं भेजने की घोषणा की थी ताकि पाकिस्तान ऐसा ना होने दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को, जिन्होंने भारत के इस मदद के रास्ते में दोस्तों बहुत सारे अड़ंगे डाले थे, जिसके बाद हार कर भारत ने ईरान से बात की और ईरान ने हरी झंडी दिखाई दोस्तों। और अब ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को भारत ने मदद पहुंचाई है, लेकिन इसमें अब पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अब भारत की खिलाफ ही कर रहा है दोस्तों, इसको पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है। क्या जवाब देंगे दोस्तों, आप लोग बताइएगा, जरूर कमेंट करके तगड़ा जवाब दीजिएगा पाकिस्तान को। बात करें अगली खबर की, जहां दिवालिया होने की कगार पर खड़े श्रीलंका को भारत ने ही बचाया, अब हो रही है भारत की जमकर तारीफ। जी हां दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी बीच भारत ने उसे मदद के रूप में $90 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान किया है। श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री और श्रीलंकाई सेंट्रल बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर WA विजयवर्धन ने भारत की इस मदद की तारीफ की और कहा है कि भारत की तरफ से इस आर्थिक मदद ने अभी तक के लिए श्रीलंका की डूबती नैया को बचा लिया है। साथ ही उन्होंने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को लेकर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भी चेतावनी दी है दोस्तों। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है, ऐसे में उसके दिवालिया होने की नौबत आ गई है। शनिवार को अर्थशास्त्री विजयवर्धन ने राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा है कि विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे श्रीलंका को तत्काल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत द्वारा दिए गए इस मदद को लेकर दोस्तों पूरे विश्व में चर्चाएं हैं और भारत की तारीफ जमकर की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लोगों ने लिखा 2022 की प्रेरणादायी शुरुआत। चरित नाम के एक यूजर ने लिखा, चीन ने कहा कि वो कर्ज से निपटने में हमारी मदद का इरादा रखता है, लेकिन मदद को सामने आया अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, यानी हर तरीके से हमारा भारत सर्वगुण संपन्न है और दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहता है, और यही कारण है कि आज भारत विदेशी स्तर पर तीसरे चौथे नंबर पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट में प्राउड टू बी एन इंडियन कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर संतों ने भरी हुंकार, कहा योगी की बने सरकार। जितेंद्र नंद सरस्वती ने कहा, राम मंदिर चाहते हैं तो मोदी योगी की जोड़ी बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जहां लेकर जहां एक और चुनाव आयोग सख्त है, तो वहीं दूसरी तरफ संत समाज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान संत समाज बकायदा मंच से माइक साउंड और बैठक करके योगी सरकार के कामों को गिना कर संतों का वोट योगी आदित्यनाथ की झोली में डालने के लिए अपील कर रहा है। ऐसे में धर्म नगरी चित्रकूट के रामायणी कुटी में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक चिंतन बैठक बुलाई गई, जिसमें धर्म नगरी चित्रकूट के दिग्गज संत महात्माओं सहित अयोध्या न्यास के महामंत्री चंपत राय ने शिरकत की है। ऐसे में दोस्तों, क्या आप भी इन संतों के बात का समर्थन करते हैं दोस्तों? क्या आप भी मानते हैं कि राम मंदिर चाहते हैं तो मोदी योगी की जोड़ी हमेशा बनी रहनी चाहिए? अगर हाँ तो मोदी योगी की जोड़ी होनी चाहिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर पश्चिमी यूपी में SPRLD गठबंधन को खतरा नहीं मान रही है बीजेपी। आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले दो चरणों में पार्टी अपने सामाजिक समीकरणों को लेकर विश्वास से भरी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी के नए बन रहे गठजोड़ को कोई बड़ा खतरा नहीं मान रहा है दोस्तों। उसका कहना है कि इन दो चरणों के बाद पार्टी का अभियान और तेज हो जाएगा और दावा है कि उसकी सफलता भी उसी तेजी से बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं SP और RLD
पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में बेफिक्र रहे, बीजेपी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या लगता है दोस्तों आपको किसकी सरकार आएगी आपके हिसाब से कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन जीतने वाला उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव और कौन होगा मुख्यमंत्री अपने अनुसार कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अगले खबर का इंतजार जरूर करिएगा, अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खबर में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।